करण जोहर पर भड़के नयनतारा के फैंस। कॉफी विद करण 7 में एक्ट्रेस पर किया था एक कमेंट। करण ने नयनतारा के नंबर 1 एक्ट्रेस होने पर जताई थी आशंका। अब फिल्म मेकर और होस्ट करण ने अपने स्टेटमेंट को किया क्लेरिफाई। वेल, करण जोहर का फेमस चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 यूं तो लाइमलाइट में छाया रहता है। हर कोई इस शो का बेसब्री से इंतजार करता है क्योंकि इसमें होता है मसाला, हंसी मजाक और कुछ स्टेटमेंट्स जिससे हो जाती है कंट्रोवर्सी। पिछले कुछ सालों में कई बार #boycott करण जोहर, #boycott कॉफी विद करण ये टॉपिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है। वैसे 7वें सीजन के पिछले एपिसोड में अक्षय के साथ समांथा एज अ गेस्ट पहुंची थी। इसी बीच करण जोहर ने समांथा से पूछा कि हाल ही के दिनों में साउथ की सबसे बड़ी एक्ट्रेस कौन है। अपनी हालिया रिलीज के बारे में बताते हुए समांथा ने बातों बातों में कहा, नयनतारा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एक्ट्रेस है। हालांकि करण उनके साथ सहमत नहीं हुए और उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मेरे लिस्ट में नहीं है। इसके बाद उन्होंने देश की टॉप एक्ट्रेस की और मैक्स मीडिया के एक हालिया लिस्ट का जिक्र किया जिसमें समांथा देश की नंबर 1 फीमेल एक्ट्रेस थी। फिर होना क्या था, नयनतारा के फैंस करण जौहर को लगातार ट्रोल करने लगे। मैटर को ट्रेंड होता देख अब करण जौहर का रिएक्शन सामने आया है। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, मेरा मतलब नयनतारा को बदनाम करना नहीं था। मैंने कहा था मेरे पास और मैक्स की जो लिस्ट थी उसके मुताबिक समांथा नंबर 1 स्टार थी। नयनतारा के फैंस ने बातचीत का गलत मतलब निकाला है। मुझे लगता है कि हम सभी को सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत है। मेरा शो एक मजेदार शो है। वेल, करण जौहर के इस क्लैरिफिकेशन पर आप उसका क्या रिएक्शन होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वेल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपके नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और बॉलीवुड नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।